और आपको बता दें कि इसी किताब के विमोचन को लेकर और ये जो पूरा घटनाक्रम अभी चल रहा है इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ चल रही है। सुधीर कुलकर्णी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कहते हैं। तो तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रेस से मुखातिब हैं सुधींद्र कुलकर्णी और ORF के चेयरमैन भी हैं सुधींद्र कुलकर्णी, जो ये सारा आयोजन कर रहे हैं, आयोजक हैं इसके। और सुधींद्र से जब ये पूछा गया कि क्या अब इसके बावजूद ये जो कार्यक्रम है ये होगा, तो उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम तो होकर रहेगा। इससे पहले जब बात की गई थी अपने सहयोगियों से तब तो उस वक्त उनको कोई आपत्ति नहीं थी, बात करने के बाद ही ये तय हुआ था कि कार्यक्रम होकर रहेगा शाम 5 बजे। लेकिन फिर उसके बाद अचानक क्या हुआ कि इस तरह से विरोध हुआ और शिवसैनिकों ने कालिक जो काला तेल है वो फेंक दिया सुधींद्र कुलकर्णी के ऊपर। उसके बाद अगर मुंबई के हम राजनीति के यहाँ पर बात करें तो काफी ज्यादा गर्मा गई। लेकिन लगातार इस घटना की निंदा हो रही है हर ओर इस तरफ की, जो भी हुआ गलत हुआ। इससे पहले गुलाम अली का विरोध किया था शिवसेना ने, हालांकि बाद में वो अपनी बात से पलटती नजर आई और उसने कहा कि हमने गुलाम अली का नहीं बल्कि हमने पाकिस्तान का विरोध किया था। गुलाम अली के बाद अब यहाँ कसूरी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री जो हैं उनका विरोध अब किया जा रहा है। फिलहाल यहां मीडिया से मुखातिब है, क्या कहते हैं ये यहां पर सुनना होगा। उधर अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि इस कार्यक्रम को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही अगर कुछ देश विरोधी कोई ऐसी घटना होती है, कोई ऐसी बात होती है तो उसके लिए आयोजक ही जिम्मेदार होगा। तो एक तरह से उन्होंने ये दिखा भी दिया कि हाँ ये कार्यक्रम होकर रहेगा, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दूसरी तरफ चेता भी दिया है कि अगर कुछ होता है तो इसके लिए आयोजक ही जिम्मेदार होगा। सुधींद्र कुलकर्णी ने यह भी आरोप लगाया कि मुझे गालियां दी गई, मुझसे मारपीट की गई, मेरे ऊपर काला रंग फेंका और ये शिव सैनिक ही थे काला रंग फेंकने वाले। अगर शिवसेना की बात करें तो उन्होंने भी माना है इस चीज को। अभी थोड़ी देर पहले संजय राउत हमारे साथ बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये काली स्याही नहीं बल्कि जवानों का खून है। सर्वप्रथम मराठीत तुमचे माननीय अतिथि खुर्शीद महमूद कसूरी, पाकिस्तानचे पूर्व परराष्ट्र मंत्री, त्यांचा स्वागत करतो। ते पहिल्यांदा मुंबईला आलेले आहेत आणि पहिल्यांदा आमच्या ऑफिसला। आय एक्सटेंड अ व्हेरी वॉर्म वेलकम टू यू इन मुंबई, द ग्रेट सिटी ऑफ मुंबई, द हिस्टॉरिक सिटी ऑफ मुंबई एंड स्पेशली टू आवर ऑफिस द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। वी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन टू कम टू मुंबई, इवन दो देर वर ऑलरेडी इंडिकेशंस दैट देर आर सम फोर्सेस वॉन्टिंग टू स्टॉप यू एंड दे हैड एक्चुअली थ्रेटन्ड the organizers of the Gulam Ali concert and succeeded in getting that concert called off. In spite of this background, you agreed to come to Mumbai. We are most thankful to you, sir. Our original program was to have a media interaction organized for you at our office as a prelude to the main function for which you have come, the let me hold it release that's
थोड़ा नीचे 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 सर नीचे थोड़ा नीचे So this is the main function, friends, which is going to happen this evening at 5:30 at Nehru Center. We had received threats from a certain organization, and I have no hesitation in taking the name of that organization, the Shiv Sena, which had threatened the Nehru Center that if they do not cancel the program, they would disrupt it in the typical Shiv Sena style. उन्होंने धमकी दी थी कि शिव सेना स्टाइल में हमारे प्रोग्राम को वो डिस्टर्ब करेंगे. इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम तो होकर ही रहेगा. आज जिस कारण के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं वो एक मीडिया इंटरेक्शन कसूरी साहब और मुंबई के पत्रकारों के बीच, तो आपके बीच मैं नहीं आना चाहूंगा. आप कृपया कसूरी साहब को सुनिए और आपके कुछ प्रश्न हो, सवाल हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं. प्लीज लेट्स हैव अ वेरी प्रोडक्टिव इंटरेक्शन, द फर्स्ट इंटरेक्शन, मीडिया इंटरेक्शन बिटवीन Honorable Kasturi Saab and the media, which I want to reiterate is in furtherance of the noble cause of peace between India and Pakistan. Thank you very much, Mr. Kulkarni. First of all, I'd like to express my unhappiness, sadness at what's been done to you, a thorough gentleman, a scholar, and a thinker. I've known him for many years, and I'm most upset at what I see. Why have I come to Mumbai? It's a city where my father did his law degree. It's a city where he was imprisoned at the age of 19 in the Quit India movement during the freedom struggle. I'd heard a lot about this city, and I want to pay a tribute to the city. It's a city which, through its film industry, has enabled people of South Asia to understand each other, because they adopt a very simple language. Whether you call it Urdu, Hindustani, Hindi, whatever that language is, it's a unifying factor. It brings the people of South Asia together. So these are all the reasons why I wish to come to Mumbai. It's the commercial capital of India. It's a very, I would say, an inclusive city. And as a political worker, I recognize the right of people to protest. I have myself been to prison many times. I have faced police lathi charges. I have faced tear gas. I know what political opposition is, but I've always understood that as long as it is peaceful, it's justified. It is inherent in the constitution of Pakistan, India, and of other great democracies that you have a